हाँ जी दोस्तों, बड़ी बहस और बड़ी बात आज आपको दिखाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हाँ जी मैं मीटिंग में था, ओआरओपी 2 में क्यों नहीं हुआ फायदा, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, सूबेदार हो, सूबेदार मेजर, सबको हुआ था घाटा, आखिर कौन सा फैक्टर था इसकी वजह से हमें घाटा हुआ, और अब क्या ओआरओपी 3 में होगा सुधार या कुछ होगा बदलाव। तो उन्होंने कहा है कि आखिर किस तरीके से होगा बदलाव और क्या क्या होंगे फायदे, किस तरीके का एजिटेशन हो मीटिंग जो हमने ओआरओपी 2 से पहले लड़ा है। तो आइए सीधी बात सुनते हैं हम, यानी वेटरन सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर से। सर मैंने आप वाला वो जो वीडियो आपने लिया था वीर बहादुर सिंह जी, सुना था मैंने, उसमें उन्होंने बोला था कि मिनिमम फंड के साथ में इसको एडजस्ट किया जाए सर, लेकिन फंड तो ना मिनिमम होंगे ना मैक्सिमम होंगे, जो पॉलिसी ओआरओपी की बनाई गई है उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, उसमें तो सीधा सा इन्होंने जो रखा है प्रोसीजर की जो भी लास्ट ईयर को बेस ईयर लेते हैं ये लोग, और उस साल के अंदर जिस जिस रैंक के जितनी जितनी लेंथ आप सर रिटायर के उनका एवरेज लेते हैं हमको दे देते हैं। तो ओआरओपी 3 के लिए अलग से कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है, उसका जो किस तरीके से उसको मॉडस अपराडी की जाएगी उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं नहीं सोचता कि इसके अंदर अलग से हट करके कोई बेनिफिट सरकार हमको दे देगी जब तक कि ओआरओपी 3 देने के फार्मूले के अंदर कोई संशोधन ना हो। और अगर हाँ सर, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, वहां पर जो फॉर्मूले ही तो समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जो इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट जनरल सतबीर साहब ने कहा है हमें लाइव डाटा दिखाओ, कि जिस तरह पीछे आपने लाइव डाटा जो उन्होंने बनाया था तो उसमें सूबेदार नायब सूबेदार इनकी कम हो रही है, तो वो लाइव डाटा देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से ये फिगर वर्कआउट किए। शायद आपने ध्यान दिया होगा 2019 को हुआ है और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम में 7,000 का फर्क है नायब सूबेदार का, क्या ऐसा हो सकता है कभी आज की वर्तमान स्थिति में? तो वो लाइव डाटा पे भी हमें कहीं ना कहीं सस्पेंस है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी या गलती हुई है सरकार से। सर देखिए, वो उस डाटा का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, एक्चुअल के अंदर ये जो सूबेदार, सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार, कुछ हद तक हवलदार और ऑनररी रैंक्स जो लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं, ये 7th पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स टेबल्स बनी है उसकी वजह से डिफरेंस आया है। 2018 के अंदर सीजीडी का सिनर्जी कॉन्फ्रेंस था दिल्ली के अंदर, मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, उसमें 200-250 सीजीडीए और पीसीडीए के और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स थे सारे थे उसके अंदर, और ये ओआरओपी आने से पहले ही हमने उनको बोल दिया था कि अब जो 1/16 के बाद जो रिटायर होके आ रहे हैं उसमें ये पर्टिकुलर रेंज हमसे कम पेंशन लेंगे। जो भी उनके हेड थे इमीडिएटली उनको अच्छा नहीं लगा और उसने मुझे टोका कि जेंटलमैन यू आर रेजिंग द बेसलेस पॉइंट्स इन दिस हाउस। मैंने उसे सर आई हैव द प्रूफ, आई विल शो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो मैं जो 1/16 के बाद में जो रिटायर होके कुछ एक जेएसयू जो ऑनरेरी आए थे उनके पीपीओ लेकर के गया था, तो मेरे को ये बोला गया कि आपको हम लंच के बाद में अलग से टाइम देंगे। मैं अकेला नहीं, हमारा 5 आदमी का टीम था जयपुर से गया था, बाद में उन्होंने 5 ऑफिसर्स हमारे साथ बिठाए, तो हमने कहा ठीक है साहब हम आपको प्रूव कर देते हैं कि जो टेबल अब आप हमको दे रहे हो उसमें तो आप बता दीजिए 28 साल के सूबेदार की और 32 वाले सूबेदार मेजर की और लेफ्टिनेंट कैप्टन की क्या है, और ये 1/16 के बाद वाले जो रिटायर है उनके पीपीओ है, ये आप ही ने इश्यू करे, हमने तो नहीं करे हैं। तो देवर सरप्राइज कि क्या ऐसा भी हो गया है, और ये होने का वजह क्या है सर कि ओआरओपी हमको जुलाई 2014 से मिल गया और उस टाइम पे फार्मूला 1 और फार्मूला 2 सेट किए इन्होंने, वो मैक्सिमम इमीडिएटली कैलकुलेशन पर्पस इजी मेथड था फार्मूला 2 बाई मल्टीप्लाई 2.57। तो 2.57 मल्टीप्लाई करके जो भी हम रिटायरीज थे हमको ओआरओपी का बेनिफिट दे दिया गया। अब हमको तो जो पहले पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी जो ऑन सर्विस नौकरी कर रहे थे उनके 50% के हिसाब से, लेकिन यहां हमको 2.57 का बढ़ोतरी हो गया। उधर जो सर्विंग क्लास था उसका जो 31 दिसंबर 2015 को जो सैलरी ड्रा कर रहे थे उसका 2.57 कर दिया, और हमको जो है बढ़ी हुई ओआरओपी को 2.57 कर दिया। तो ये बिल्कुल इस तरीके से जंबल हो गया सारा मामला कि इसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान फिर जेसीओ और ऑनरेरी रैंक्स को उठाना पड़ा, उसका मेन कारण है वो। लेकिन ये मामला ये जो गलती थी एक बड़े लेवल के ऊपर थी तो इसको दबा दिया गया, वो बिल्कुल उजागर नहीं हुआ। फिर उस पर लिपापोती करने के लिए वन मैन जुडिशियल कमेटी आया, जगह जगह वो 19 स्टेट में कितने में गए वहां भी प्रेजेंटेशन दिए, जयपुर के अंदर मैंने भी वहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, आर्मी ऑडिटोरियम के अंदर मैंने दिया था,
और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस जो आप पॉइंट उठा रहे हैं वो सारे के सारे जो वाजिब है और हम इसको कंसिडर करेंगे, उसको भी गवर्नमेंट ने दबा दिया। उसके बाद में एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आज अभी पड़ी हुई है। तो ये तो क्लियर कट जो शुरुआत हुई ना सर, ये हुआ है जो डिफरेंस आया कुछ एक रेंस का, इट इज बिकॉज ऑफ पे मैट्रिक्स टेबल्स। जब तक उनको नहीं सुधारेंगे ये गैप खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बात से हम सहमत हैं कि जो लोग 2014-15 में रिटायर हुए हैं और उनके जो सीनियर्स हैं या उनके जूनियर्स हैं 2016-17 में रिटायर्ड हुए हैं, लगभग हवलदार से लगा करके ऑनरी कैप्टन तक के रैंक है, उनकी जो पेंशन है उनकी कम आ रही है जो लेटेस्ट रिटायर हो रहे हैं। और जो आपने उसका लॉजिक बताया बिल्कुल क्लियर है। अभी सर मेरा अंतिम आपसे सवाल है, वीआप ऑफ एफबीए आप दिग्गज आपका वीरांगना संघ है, आप सभी भूतपूर्व सैनिक और सैनिक संगठनों को किस तरह कन्विंस करना चाहते हो कि आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और क्या आप दूसरों को सहयोग लेने के लिए या सहयोग देने के लिए कितना आप कमिटेड हैं, प्लीज सर ये बताओ ताकि लोग आपको सुने, आपकी बात को सुने, ताकि आगे जो प्लान कर रहे हैं कम से कम आपको कॉल करें कि नहीं सर जो आपने सैनिक जीवन पर बोला है अब मैं इस चीज को इससे एग्री हूं, क्योंकि ये सिलसिला अब मैं हिमाचल उत्तराखंड सदन हमारा सबको एक बार एक दूसरे की आवाज सुनाना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से, तो आपका क्या संदेश रहेगा सर? सबसे पहला तो मेरा मैसेज सभी भाइयों के लिए, सभी संगठन के पदाधिकारी उनके ये है, मेहरबानी करके अपने आप को सुपर इम्पोज करने का कोशिश ना करें। हम सब एक ही उद्देश्य के लिए संगठन बनाते हैं और काम कर रहे हैं। आप किसी भी संगठन का बायलाज उठा के पढ़ लीजिए, उसके अंदर पहला लाइन मिलेगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सर्विसमैन विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। जब हमारा ऑब्जेक्टिव वही है तो फिर इसके बाद में हम क्यों आपस में उलझ जाते हैं कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम चंदा खा गए हो। अरे भाई, अपने अपने संगठन का अलग अलग एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको वहां तक ही सीमित रखिए। अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो अगर आपका पदाधिकारी गलती कर रहा है, आपका जो मेंबर गलती कर रहा है, तो उसको वहां पे सुलझाओ, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाके सोशल मीडिया में मत उछालिए। मैं ये कहता हूं कि इस आंदोलन से हमें मिला एक ढेला नहीं, लेकिन जो पूर्व सैनिकों का मान सम्मान जो छवि था उसको इतना बड़ा धक्का ठेस पहुंची है कि वापस वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी हमें बहुत कुछ लंबे पीरियड तक काम करना पड़ेगा। तो अगर हर संगठन ये सोच लेवे कि मैं कोई भी काम करने जा रहा तो उसकी टांग नहीं खींचूंगा, मेरी तरफ से सहयोग है वो दूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी मैं सहयोग लूंगा, उसमें कोई परहेज किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सैनिक कल्याण है। बहुत अच्छी बात। और रही बात आगे की स्ट्रेटेजी का, तो उसके लिए यही है कि सब अपना अपना विचार करें और एक कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट बनाएं, इसके लिए हवा में नहीं भागें। दूसरे जो हमारे बहुत बयानवीर भाई हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले स्टडी करें, सीधा हवा में मत तीर फेंक दो। अफसरों को ये दे दिया, हमारा ये लूट लिया, उनको 2.57 दे दिया, उनको 2.81 दे दिया, जबकि इसको आप डीपली स्टडी करेंगे तो इसके रीजन बहुत सारे हैं। अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और आंदोलन में जंतर मंतर पे बैठ करके गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो सरकार को एक संदेश जा रहा है कि ये लोग मैच्योर नहीं है, इनको पूरी नॉलेज नहीं, तो इनको बुला के बातचीत से हंस क्या होगा। और शायद मैं इस चीज को यही कारण मानता हूं कि ये जो बिखराव आंदोलन का रहा, इसी की वजह से सरकार अपने जो है वार्ता के दरवाजे बंद करके बैठ गई। इससे हमको सबक लेना चाहिए और भविष्य के अंदर किसी भी संगठन के पदाधिकारी को या किसी भी सदस्य को इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। दोस्तों कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, कहा है आपका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, आपका नाम अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही है, वो है काम वेलफेयर ऑफ एक्सर्विसमैन एंड वीर नारीस एंड विडोज। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कोई भी सैनिक संगठन बनता ही इसलिए है, और फिर आप नाम कुछ भी रख सकते हो, स्ट्रक्चर कुछ भी रख सकते हो। और उन्होंने इतनी बात कही, यदि आप इस लाइन को आप फॉलो करते हो तो फिर मन भेद और मतभेद का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, झंडे और डंडे का कोई सवाल नहीं हो सकता, ये सारी टेम्पररी व्यवस्था है दोस्तों, इन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि आगे यदि हम आगे बढ़ के चलते हैं हमें ये भुलाना पड़ेगा और एक सौहार्द, एक कॉन्क्रीट, एक ठोस, एक मजबूत
हमने विचारधारा के साथ और बिल्कुल क्लियर करके कि आखिर हमारी अनोमलीज क्या है, आखिर हमारी मांगे क्या है, हमारे साथ इनजस्टिस है क्या, ताकि हम ब्लैक एंड व्हाइट में किसी को सामने रख के समझा सकें यदि हमें कोई वार्ता पे बुलाता है, टेबल पे बुलाता है। और ये मांग सबके लिए होना चाहिए, पूरे संगठन न हो, एक एक जवान जो रिटायर है वो समझे कि मुझे ये मिलना चाहिए था और ये नहीं मिला है, और इसके लिए हमारे जितने सैनिक संगठन संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम तन और मन धन से दिल्ली में जाकर सहयोग करें, रेवाड़ी में जाकर सहयोग करें।